सफेदपोश नेताओं और माफियाओं की मिलीभगत की बातें कोई नई नहीं है। समय समय पर इन दोनों की जुगलबंदी सामने आती है। उत्तराखंड के हरिद्वार की कलियर विधानसभा सीट से विधायक और संसदीय सचिव ने हिस्ट्री शीटर नाजिम सलमानी की पैरवी शुरू कर दी। फुरकान अहमद ने सीएम हरीश रावत को पत्र लिखकर अपराध जगत का बड़ा नाम रहे नाजिम सलमानी की हिस्ट्री शीट बंद करने की मांग की है, जिसके बाद सत्ता के गलियारों में बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट देखिए। सफेदपोश नेताओं और माफियाओं की मिलीभगत का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है कि सत्तारूढ़ पार्टी का एक विधायक सीएम से एक हिस्ट्री शीटर की फाइल बंद करने की मांग करे। कहते हैं राजनीति में सब कुछ जायज होता है और उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायक फुरकान अहमद इसी फॉर्मूले को अपनाने पर तुले हैं। फुरकान अहमद ने सीएम हरीश रावत को चिट्ठी लिखी है। विधायक महोदय ने इच्छा जताई है कि कुख्यात नाजिम सलमानी की हिस्ट्री शीट बंद कर दी जाए। किसी तरह से सूचना प्राप्त हुई है कि किसी ने पत्र लिखा है, लेकिन इसका कोई अभी मामला पुलिस के संज्ञान में आया नहीं है। अगर इसे संज्ञान में आता है तो उस पर जानकारी करके आगे कार्रवाई की जाएगी। इनके कई मुकदमे इसके दर्ज हैं इनके खिलाफ, और अभी इनके जो भी कोई इस तरह का मामला संज्ञान में आता है कि इनको एचएस से हटाने के लिए या इन पर कार्रवाई न करने के लिए कोई पत्र गया है, यह हमारे कोई संज्ञान में नहीं है। आपको बता दें कि नाजिम सलमानी उत्तराखंड में अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है। नाजिम सलमानी पर हत्या, हत्या की कोशिश, लूट, रंगदारी, अपहरण जैसे 28 संगीन केस दर्ज हैं। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखते हुए विधायक ने सीएम से एक माफिया के लिए पैरवी की है। नहीं, मेरा कहना उसमें यह है कि अगर वाकई में ही वो ठीक काम चल रहा, क्योंकि वो एक जो हमारा तीर्थ स्थान सबसे बड़ा है मक्का मदीना, हज के लिए भी गया था उसने, तो वहाँ अपनी गलती मान ली, तोबा मांग ली, और अगर वो सही चल रहा तो ठीक है, अगर ठीक चल रहा तो इसके जो मुकदमे सब वो जीत चुका है, और अगर वो ठीक चल रहा तो उसे सही चलने का मौका मिल गया। बताया जा रहा है कि नाजिम सलमानी 90 के दशक में पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में अपराध का पर्याय था। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में नाजिम का नाम सामने आया था, जिसके बाद 1996 में नाजिम सलमानी की हिस्ट्री शीट खोल दी गई थी, जिसके बाद उसकी हिस्ट्री शीट लगातार लंबी होती गई। आज की तारीख में नाजिम सलमानी की सक्रियता समाज सेवा और राजनीति की ओर है, जो हरिद्वार से कलियर विधानसभा से विधायक और संसदीय सचिव फुरकान अहमद को भा गई है। लेकिन विधायक के इस कदम से सरकार की किरकिरी हो रही है। हमारे शहर में कितने हिस्ट्री शीटर हो सकता, मुझे को ना पता, तो अनजाने में सिफारिश होती है। हिस्ट्री शीटर ही चुनाव थोड़ी जीता देगा, चुनाव लड़ने वाला आदमी कभी चूक नहीं करता है, वो अनजाने में कोई चूक हुई होगी। न्यायिक प्रक्रिया को अगर छोड़कर सरकार अपने हाथों में इन सब प्रकरण को ले लेगी तो कानून के विरुद्ध है। जो काम न्यायपालिका का है वो न्यायपालिका करेगी, शासन प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, जुडिशियली का काम है जुडिशियली करे। हरीश रावत जी को इस चक्कर में मेरे ख्याल से संभवतः नहीं बढ़ना चाहिए। हम सब लोग को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, और किसी की हिस्ट्री सीट खोलना या बंद करना वो राजनीतिक दलों का काम नहीं है। आज आम जनता भले ही अपने हक के लिए धक्के खा रही हो, लेकिन नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए अपराधियों की भी पैरवी करने से नहीं चूकते। हरिद्वार से नरेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। वही पर्यटन नगरी नैनीताल की नैनी झील के सौंदर्यकरण में अहम किरदार निभा रही हैं बत्तखें। 1950 में पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही झील की साफ सफाई के लिए डाली गई तकरीबन 8 बत्तखों का परिवार आज बढ़कर 60 से ऊपर पहुंच गया है। बोटिंग के साथ साथ इनका अद्भुत संसार को निहारने के लिए पर्यटकों को ये बेहद ही रोमांचित करता है। पर्यटन नगरी नैनीताल की सुंदरता हमेशा से पर्यटकों की पहली पसंद रही है। नैनीताल की खूबसूरत वादियों का सबसे कीमती नगीना है यहाँ की नैनी झील, जो हमेशा से पर्यटन का केंद्र बिंदु भी रही है। नैनी झील में बोटिंग के साथ खूबसूरत नजारों का लुत्फ तो उठाया ही जा सकता है,
साथ ही इस झील का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ की बतखें, जो झील की सुंदरता के साथ साथ और इसकी साफ सफाई में अहम किरदार निभा रही हैं। पहले तो सबसे पहले बतखें पर्यटक आकर्षण के साथ साथ झील की स्वच्छता में भी इनका बड़ा योगदान रहता है। ये किनारे लगी हुई काइयों को खाती हैं, काइयों को भी कम करती हैं, जल को इनके चलने से जल में भी शुद्धता के आती है। राजहंस प्रजाति की ये बतखें बेहद अनुशासन प्रिय हैं। बतखों के साथ हमेशा कोई चीज सबसे पहले जहन में आती है तो वो है इनका जोड़ा, और जब एक के पीछे एक लाइन से ये झील में अटखेलियां करती हैं तो इस दृश्य पर नजरें ठहर सी जाती हैं। आपको बता दें कि नैनी झील से इन बतखों का संबंध पुराना है। दरअसल 1950 में हीरालाल शाह जगाती और तत्कालीन अधिकारियों ने झील की सुंदरता बढ़ाने और पर्यटकों को आकर्षित करने के मकसद से तकरीबन 8 बतखें नैनी झील में छोड़ी थी, जिनका परिवार आज बढ़कर 60 से ऊपर पहुंच गया है। नैनीताल में सन 50 के बाद इनको बतखों को यहाँ पर नगर में डाला गया। इसमें हीरालाल शाह जगाती और हमारे उस समय के अधिशासी अधिकारी और मेम्बरान लोग अध्यक्ष वगैरह के विचार विमर्श के बाद हुआ कि भाई नैनीताल में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए पर्यटकों के आकर्षण के लिए, तो ये राजहंस प्रजाति की बतखों को यहाँ पर डाला गया। पक्षी प्रेमी बताते हैं कि ये बतखें झील की सफाई और जल को साफ करने में अहम योगदान देती आई हैं। ये झील के आसपास लगी काई को खाती हैं। जानकार बताते हैं कि 2007 के बाद बतखों की संख्या बढ़ाने के लिए इनके प्रजनन के प्रयास शुरू किए गए, जिसमें काफी हद तक सफलता भी मिली। 2008-09 में भी हमने दिनेशपुर से बड़ी बतख जो हंस की कहलाती है उसको इसमें डाला गया है। अब चूंकि इसमें रख रखाव की थोड़ी सी परेशानी है, कुछ बीच में होटल एसोसिएशन वालों ने भी इसको खाद्यान्न की व्यवस्था कराई थी, फिर उन्होंने बंद कर दी, तो नगर पालिका अपने संसाधनों से कराती है। और चूंकि हमारी पूर्व से निर्मित लाइब्रेरी है उसके नीचे उनको रखने का स्थान बनाया गया है। वर्तमान में ADB के टूरिज्म विभाग द्वारा उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इन बतखों के खाने पीने की व्यवस्था नगर पालिका के जरिए की जाती है। झील के किनारे इनके लिए बाड़ा तैयार किया गया है और सुबह शाम इनको बाजरा खिलाया जाता है, और दिन भर ये झील में हास परिहास के साथ अपना भोजन खुद ही तलाश लेती हैं। नगर पालिका के मुताबिक 2008 में दिनेशपुर से राजहंस प्रजाति की कुछ बड़ी बतखें भी नैनी झील में डाली गयी। बतखों का भोजन जो है दो टाइम हम लोग इसको कराते हैं। जो भोजन ये बाजरा होता है, मैन इनका जो वो है, तो बाजरा जो हम इसको सुबह देते हैं और शाम को देते हैं। बाकी दिन में ये जो चूंकि झील में निकल जाती है, कुछ टूरिस्ट हैं, कुछ जैसे झील के अंदर की जो गंदगी है, मछली है, छोटी मछली है, उसको भी ये लोग अपना खा करके साफ करती है। एक और जहाँ ये बतखें झील की सफाई और सौंदर्य में अपना किरदार निभा रही है, वही ये पर्यटकों की भी पहली पसंद है। झील में बोटिंग के साथ अपने आसपास बतखों का कोलाहल और झील में अटकेलियां करता इनका अद्भुत संसार पर्यटकों को एक नया और अलग एहसास दिलाता है। नैनीताल से राजू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।